मैं इसमें ये बोलना चाह रही, जैसे कि भाभी का विदाई हो रहा है तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, हम लड़कियों को शादी तो लड़कों से होती है, लड़के की भी शादी लड़कियों से होती है, तो आखिर हम लड़कियों को ही क्यों दूसरे के घर जाना होता है, लड़के भी तो हमारे घर आ सकते हैं। मतलब कि ये भगवान ऐसे क्यों बनाए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज फाइनली आज है बहुत ही स्पेशल डे, तो हमारे लिए रंजना लेके आई है। इसका कहानी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो में आप लोग थंबनेल देख ही लिए होंगे, इसमें जो है कम्प्लीटली जब भाभी आ रही थी तो उनका एकदम आंसू जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पहले वो बहुत बोल रही थी कि मैं क्यों रोऊंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो पर वो एक पल ही एक ऐसा हो जाता है कि मतलब रोना आ जाता है। और फिर मतलब क्या बोले, जब विदाई होता है तो क्या बोले, उस समय तो लगता है कि कितना मतलब कि सब कुछ छोड़कर जाना होता है, बहुत रोना आता है। मेरे साथ तो खुद वैसे हुआ है तो मैं क्या बोलूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भाभी को लेके आ गया क्या था हम लोग घर पे, और घर पे जो हो रहा था ना ये रस्म को कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा था। और वाकई में गाइस बहुत ही ज़्यादा हिम्मती होती हैं वो लड़की, क्योंकि वो बचपन से उसी घर में खेलती हैं और सब कुछ उनके इर्द गिर्द सब कुछ देखने को मिलता है कि हाँ ये सब कभी सामान ये अपना है वो अपना है। पर जैसे ही वो सिंदूर पड़ता है वो सारा का सारा चीज़ एक सेकेंड में गायब हो जाता है आंखों के सामने से और सब पराए हो जाते हैं। वाकई में ये लाइन बहुत ही आसान है कहने के लिए कि लड़की का ज़िंदगी बहुत आसान होता है, वो आसान नहीं वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और उस दौर से ऐसा नहीं है कि मतलब मैं और या आप या कोई भी एक लड़की बचने वाली है, इस दौर से सबको गुजरना होता है। और ये एक जैसे कि एक मरना सच्चाई होता है, उसी तरह से ये भी एक सच्चाई है कि बेटी का घर अभी तक कोई नहीं बता सका कि बेटी का घर कौन है। और यहाँ पे जैसे जैसे ये रस्म आगे बढ़ रहा था सबको लग रहा था कि भाभी नहीं रोएंगी, मुझे भी लग रहा था कि कितने हंसते खेलते जा रही थी, खुशी खुशी विदा करेंगी। सबका आँख फूल रहा था, सबका आँख गोल गोल दिख रहा था। और उसके बाद आगे आप लोगों को देखने को मिलता है ये बच्चा जो था बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे लगा था छोटा बच्चा आएंगे पर ये थोड़ा बड़ा बच्चा आ गए थे। तो भैया यहाँ पे पैसा भी दिए और भाभी भी पैसा दे रही हैं। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या ये रस्म आप लोग की तरफ होता है, और ये रस्म स्पेशली बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। ये क्या था कि इसमें भैया क्या कर रहे थे कि बोल रहे थे कि आज से तुमको किस में रहना है, पर्दा में रहना है। पर ससुर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ढकते हैं, तो वो रस्म हो रहा है। और यहाँ पे आप बैठी हुई थी और ध्यान से आप देख रही थी सब कुछ। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था शादी में? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। तब से एक लड़की का हो जाता है कि सर पे ढककर मतलब कि सर पे पल्लू रखना हो जाता है। थोड़ा देर लेट आती ना तो हम चले गए। घर पैसे चाहिए, चलिए साथ चलिए। तो आप भी चले? नहीं, अरे चलिए गाड़ी में बैठ के। आप चाहिएगा कि आप बोलिए, अगर ये आप हमारे वाइफ को भाभी बोल रहे हैं, बोलते भी हैं, ठीक है, तो उनकी बहन है, भाभी बोलेंगे, ठीक है, ओके। हाँ, ये मेरा बोल रही है। ये लोग होंगे इनके भाई लोग, इनके भाई लोग वो आपके साले हुए। हाँ, हमारे भी साले हुए। हाँ, ये बोल रहे हैं
नाम है क्या सुनी? हम सिर्फ आपके साली हैं, ठीक है, और वो हमारे भैया हैं, ठीक है। कौन सुना था भैया? ये हमारे वीडियो देखते हैं। वीडियो देखते तो भैया हैं, और किसी का वीडियो देखेगी तो उनको भी भैया ही बोलेंगे। आज इनका नहीं देखेंगे, नहीं बोलेंगे कुछ भी, ठीक है। तो फिर आपको आपका 50% ही अब पैसा मिलेगा। 50% मेरा था उसमें। अब हम भैया हो गए तो क्यों देंगे? नहीं, आपके हम जीजू लगते हैं दोनों। फाइनली जो है वो नेक अब मिलने वाला है सारे लोगों को, जो कि है अभी आप लोगों को खत्म होने के बाद बताएंगे। अरे मुझे तो आप पहले ही से पहन ली है, तो पहनाने का दिक्कत ही नहीं होगा। आपका क्या नाम है? नंदनी। और यहाँ पे नंदनी जी हैं, और बस ढाई सौ का सीधे दुगुना लग गया, दुगुना भी नहीं, दुगुना नहीं, वो 10 गुना। देखिए इधर देखिए, ये बा हम लड़कियों के विदाई के फेर में छोटे लोग बुला रहे हैं यार, फोन कर बबली बा के लगे छोटे लोग लगे हैं तो आगे कोई ना हो सुन नहीं जो थोड़ा हां भाई हां ले रहे थोड़ा चलिए परेशानी करना अभी, इतना दिन तक सब लोग हल्ला गुल्ला किया था, अब शांत हो जाएगा। चलिए वो फिर आना है, वो रिंकी माँ चादर दे। मेरा रुमाल लेके चला गया उपेंद्र, कोई बात नहीं है, हाई पर्दा होता है तो खड़े होते हैं। नमन के जी भाई कुर्सी आता है, वही आ रहे हैं कहीं बनी चीज कहाँ कहाँ कहते आपने मम्मी छोड़ेंगी नहीं, दीदी लिफ्ट चलिए, मम्मी छोड़ेंगी नहीं। आइए भाभी आगे, छोड़ेंगी नहीं, टाइट पकड़ी हुई है। अरे आएंगी फिर वापस, चुप चुप।
बोली बी किया सो क्यों नहीं चल 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 ऐसी दिख गई इनको आप चुप कराइए ए बुआ लेट होता है जा होने इतना से ए भाई लेट होता है चल सब रहला ए भाभी अब बाबू का पता नहीं आ सुन लीजिए पहले हम मान जाओ तो वो निश्चिंत रहे पकड़ इनको इनको पकड़े थे मम्मी अरे टेंशन मत लीजिए सब सही होगा सब अच्छा से रहेगा टेंशन मत लीजिए बहुत अच्छा भाभी क्या आया तबीयत खराब हो जाएगा फिर और उनका भी तबीयत खराब हो जाएगा चुप हो जाइए हाँ आपको देख के उनको हिम्मत आना चाहिए बैठिए बहुत अच्छा आपका घर में गई है एकदम अच्छे से रहेंगी सब बचवा याद आने लगता है हंसते खेलते सब अच्छा इस नहीं बाबू चुप कर आता नहीं यार भाभी अरे ये ना हीरा खंडा मार मिल बड़ी ना तक सबसे तो प्यार पापा लोग से ही होता है पापा लोग बहुत मानता है लोग जो बोलता है लोग तुरंत बेटी को सबसे ज्यादा पापा ही मानता है लोग चलिए बाय बाय कर दीजिए लोग बाय बाय कर दीजिए तो गाइस फाइनली आज अब हम जा रहे हैं यहाँ से वक्त हो चुका है विदा लेने का और हमारी दीदी सबसे ज़्यादा ख्याल रखी है हमारा और बहुत प्यारी भी है क्यूट भी है बोलती बहुत कम है बस वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो अब वक्त हो चुका है यहाँ से विदा लेने का और काफ़ी सब लोग एकदम मायूस हो रहे हैं पापा जी वहाँ बात कर रहे हैं और यहाँ पे पैरों थोड़ा पूछ दीजिए लो भाई पूछेंगे नहीं होता ये हो गया मिल गया हमारा तो पाइनएप्पल ही ना ना हां ना तो हम ना हटे भारी पड़ जाएगा हेलो माय यूट्यूब फैमिली कैसे आप सब आई हो बहुत अच्छे होंगे तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे काफ़ी ठंड लग रही है तो मैं ब्लेजर वगैरह डाल रही हूँ पीछे बैकग्राउंड इग्नोर कीजिएगा
अभी मेरी भाभी आ चुकी है तो मैं चलिए उनसे मिलवाती हूँ, बाकी मेरी बहन पीछे है तो चलिए मैं बाहर दिखाती हूँ, अभी गीत वगैरह हो रहा है तो मिलवाती हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं दूल्हे राजा की खुशी एकदम हाय। गाइस यहाँ पे भाभी का वेलकम के लिए यहाँ पे देखिए मेरी बहन लोग यहाँ पे एकदम अच्छे से जा रही है और फिर वहाँ अंदर तक है, अभी थोड़ा सा जस्टिस है और यहाँ बड़ी मम्मी है जो अपनी बहू को उतारने के लिए यहाँ पे गाइस ये गाँव वाला है तो अच्छे से उनका स्वागत करेंगे, बाकी जाएंगे आपको और दिखाएंगे। गाइस वहाँ पे मेरा भाई बैठा हुआ है फुल पैंट पहन कर और हाय कर रहा, वो मेरा भाई है तो बोल रहा है कि तुम वहीं से बना लो मेरा वीडियो, बोले कि चलो तो बाकी गाँव के बच्चे आ गई है हमारी प्यारी सी भाभी और यहाँ पे भाभी का वेलकम होने के लिए कैसे होता है यहाँ इतने सारे बच्चे लोग हैं, चॉकलेट वगैरह किया जा रहा है। चॉकलेट खाली मना करना पहले वाली है ना, क्या हाथों हमसे ले रहे हैं, मैं मना कर दीजिए ना, अलग अलग लेबे का ना पड़े नहीं आज हम ना होता है शाम को मिलता है आपको तो आज मिलेगा रात में लड्डू पेड़ा सौ डोलिया छेकना पड़ेगा, रंगना नहीं छेकेगी आपको छेकना पड़ेगा और ये डोली छेकेगा जीजा को छेकते हैं। गाओ गाओ चलाओ ऐसे हमको नहीं आता है बाकी तो बेकार है जी, खाली चावल लेके आई है चॉकलेट का है एक और दो पैसा दे दे मांगा चल रहा है जी। एक और रिंग मिल गया, एक हमको मिला है और एक इनको मिल गया, दो आदमी बस हो रही है खुश हो जाइए, खुश हो जाइए जीजू रिंग मिला है आपको ससुराली से। जाइए गौरा में देखो भाग रे भाग रे होने बाकी हो गए डाले बना दे रुकी में 14 किलो का वहाँ बैठा लगे थोड़ा लांगा नु तो पकड़िए आती टाइट था नहीं इस तरह नहीं नू जी इनको आगे और आए कर रहे हैं।
हेलो देख लो नेग अभी उधार उधार रखो लिख के भी देख भाभी लीजिए आपको थैंक यू भाभी को बोलो यार ये एक्सचेंज कर लेते हैं जी जी फेंक रहे हैं एक्सचेंज कर ले कर और चार्ट दे आपको क्या चाहिए आराम से भाभी ये कौन सा वीडियो तुम बनवा अच्छा से नेक वीडियो ये वीडियो मत बनाओ ये रुक जाओ पैसा आगे से पैसा लोगे पीछे से ए रुमाल उमाल नहीं ले रहा है लो छापो आगे से लेकर मेरा रेडी हो दो लगो तरका बहनिए तो छोट बहन हां हमारी बदमाश है ऊपर ऊपर डायना के दीजिए रुकिए भाभी गाड़ी वाला परेशान कर आपका लहंगा हम उठा रहे हैं आप आराम से आइए ठीक है हल्का हल्का उठा रिलैक्स होकर आइए ठीक है ए घूंघट हटाओ सब तो मैडम उनको परेशान पूरा मत हटाओ हम गुस्सा करेंगे दिक्कत नहीं होगा हम लोग है ना हां ठीक है चलो दोनों पैर भाभी दोनों पैर नहीं पहले दाहिना पैर दाहिना पैर उसके बाद ये पैर लाइए दोनों पैर डालिए तुम्हें पैर दीजिए ना तू आ जा हमारे घर में ना अरे चलेगे रे भाग जाओ हमारे यार एक दो तीन चार पाँच ये कहाँ गई अब हमने सजा लिया जाए
अरे 25 के 12 सौ सौ टक्की रुपये 25 पहले एक आदमी पैसा लगा उधर जाएगा इसमें डबल मिक्स पहले कौन से गाना पहले भाभी को तो ऐसे सौ सौ से नहीं होगा कौन सा गाना बताओ अरे देखो एक रन बांट रहे हैं आप फिर से बच गए दो रन करेंगे तुम लोग 25 आदमी हो एक साथ में सोच रहे हो 500 सब बोली आगे किडनी बचा नहीं 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 100 से नहीं चलेगा चलेगा ना 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 कोई सॉन्ग है तुम जल्दी अभी जल्दी लोग साथ रहिए साथ ही साथ नेक्स्ट बार भैया के लिए कुछ गाना गाना सुना अरे भैया के ससुराल गाड़ी की दोनों भाई मिल के चलाए पारा पारी दोनों भाई इसमें क्या मेरी कथा है हाल क्या है मेरे दिल का ये तो मुझको पता है ओके तुम कहाँ घुस रहे हो जी सामान बाहर चलो जल्दी जल्दी अंगना में पधारो दो नंबर में पधारेगा प्रियंका है हमारे लागत के ना हम तो हो जाए बारात में पानी हो जाए मुझे जल्दी मिल जाए साड़ी न पहने ले पाले मारे ले साड़ी न पहने ले पाले
ऊपर चुमी के चुमे जानी दी रे मयूर मिला मुना पैसे छुआई लबिया रे छुआ के छुआई लबिया नहले नखरे छोटला ला पैसे छुआई लबिया कैसे आ जाओ पूजा गाँव को मने कर दिया मोटर खोई बे ना पिया बे मोटाई बे आज बनाई नगर बड़ बड़े अपना कुंदन भैया के तोन पर लौटाइबे कइस पूरी रसिया भी और धन बनी बोले ले दुई वाली रह दी ऊपर तो उठा नहीं से पीली हार पहले नहीं ढूंढना है बस तुरंत तुरंत खोज देना है भाभी छोड़िएगा नहीं फिर से भाभी अरे डाल नहीं क्यों डाल दे ले बनी मिस मिस देखा तारी तू ले गया है नहीं डाल कोई डाल के ले बनी मटर खा लो बका है मिल कहाँ से गए कोरोना वगैरह मार दूर राउंड लास्ट लास्ट में भैया जीत जा अरे 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 लेगी मैं तुझे आज मैं पट्टी बांध के सबसे बड़े वही होला।